हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की जो क्लास है वो पोएट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर पे सेकंड पार्ट होगी और ये हमारे इस बुक का आखिरी चैप्टर है। हाउएवर ये छठा चैप्टर है लेकिन हम इसे आखिरी चैप्टर के तौर पर पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने सातवां और आठवां चैप्टर कवर कर लिया था। ये चैप्टर है, अगेन मैं आपको रिपीट करूँ कि ये पोएट्स एंड पैनकेक्स ये जेमिनी स्टूडियोज़ जो 1940 में एसएस वसन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था उसके ऊपर उनके यहाँ एक काम करने वाले वर्कर कह लीजिए, एम्प्लॉय कह लीजिए, अशोक मित्रन जिन्होंने एक किताब लिखी माय ईयर्स विद द बॉस, उसका एक भाग है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हर एक छोटी बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उस समय जेमिनी स्टूडियो में। ठीक, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, हर हर महादेव। चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन ये सेकेंड पार्ट है, अशोक मित्रन की लिखी गई बुक है, चैप्टर है ये माई ईयर्स विद बॉस है, उसका एक भाग है पोएट्स एंड पैनकेक्स। और बात किसकी हम करने वाले हैं, जेमिनी स्टूडियोज़ की। 1940 में चेन्नई में मद्रास में सिचुएटेड था ये बात क्लियर है। ठीक, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, ताकि कुछ चीज़ें होंगी तो यहाँ मिल जाएगी डीन सर एकेडमी पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लास की। और कोई दिक्कत हो तो 8317071156 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सभी को क्लियर है? ठीक है, ध्रुवी, आनंद, प्रभात, सीमा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आपका कोई दोस्त हो, कोई भाई बहन हो जिसने अभी ट्वेल्थ क्लास में ये बैचेस नहीं लिए हों तो वो ये बैच परचेस कर सकता है। 800 रुपये में उसे पूरी हिंदी और इंग्लिश मिलेगी। अगर वो केवल हिंदी इंग्लिश करना चाहता है, ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश, तो इस बात के लिए उसे 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। पूरे साल का बैच है, पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, हाई स्पीड रिवीजन बैच चलेगा जिसमें आपको एक बार रिवीजन कराया जाएगा, कोर्स आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में ख़त्म करा दिया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर कराया जाएगा और फिर मैराथन चलाई जाएगी। अगर आप अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हो तो हमारे तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। फिर ये जो कहा जा रहा है ना 90, ये 95 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है। इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो हिंदी और इंग्लिश में 97-98 नंबर लेकर आए। ठीक, सभी को ये बात क्लियर है? आइए अगर चैप्टर की बात करें तो हम पढ़ रहे थे कि ये जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में है। सबसे पहले हमने पढ़ा मेकअप के बारे में कि वो मेकअप क्या होता था, किस तरह से मेकअप जो है वो एक अच्छे भले दिखने वाले इंसान को मॉन्स्टर बना देता था, दैत्य बना देता था। मेकअप जो है ट्रक में भर भर के आया करता था, याद आ रहा आपको, कलम ने ये सब पढ़ा था। फिर हम उसी में आगे पढ़ रहे थे कि वहां पे एक मेकअप बॉय होता था, उनकी एक हायरार्की होती थी कि सबसे पहले कौन है, तो वो मेन एक्टर को तैयार करेगा, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड लीड को तैयार करेगा, फिर उसके बाद है वो कॉमेडियन को तैयार करेगा, फिर उसके बाद है। इसी तरह से उसमें ऑफिस बॉय था, मेकअप बॉय में, मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय मतलब कोई लड़का नहीं था, वो 40 साल का था, आया था एक्टर बनने लेकिन ऑफिस बॉय बन गया था। ठीक है, वो कैसे लोगों को तैयार करता था, तो वो एक बड़े से जायंट वेसल में खूब सारा पेंट लेके और मुंह पे थपेड़े मारता था। कहने का मतलब ये है कि वो बस चेहरे पे कुछ ना कुछ लगा के बस खड़ा कर देता था, जाओ आप क्राउड में खड़े होने लायक हो गए हो, वो क्राउड को तैयार कराता था, याद आ गया ये सब। तो उसी मेकअप बॉय की हम बात कर रहे थे कि अशोक मित्रन कहते हैं कि वो कभी भी आके कोई भी जिसको लगता था कि कुछ काम नहीं है मुझे आकर समझाने लगता था, और मेकअप बॉय जब आता था तो मैं बस यही मनाता था कि भैया जल्दी से क्राउड शूटिंग स्टार्ट हो, क्योंकि जैसे ही क्राउड शूटिंग स्टार्ट होगी, आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव फ्रॉम मी हिज एपिक्स, इससे कम कुछ भी नहीं मुझे उसकी कहानियों से बचा सकता था। किसकी कहानियों से, उस मेकअप बॉय से, जो द मेकअप बॉय था, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया था कि मुझे इनलाइटन किया जाना चाहिए, मतलब मुझे ये बात बताई जानी चाहिए कि कैसे जो लिटरेरी टैलेंट है, जो साहित्यिक टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको अलाउ किया जा रहा है वेस्ट होने के लिए इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स। बार्बर्स मतलब जो बाल काटने वाले होते हैं, और पर्वर्ट्स, पर्वर्ट्स का मतलब होता है जो अपने रास्ते से भटक गया हो, स्पेशली गलत मार्ग पे हो, उसको बोलते हैं पर्वर्ट। क्लियर है सभी को? ठीक, अब मुझे एक बार बताइए क्या आप सभी को यहाँ तक की बात क्लियर है? हो सकता है चैप्टर आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, लेकिन
जब आज खत्म कर लोगे, एक बार और रिवाइज कर लोगे, फिर वन शॉट कराऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, सब तैयार हो जाएगा। बताइए। हाँ, ऑफिस बॉय इंदौर में काम करता था। अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप कि सर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप एक बार पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आज का सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज बताइए एक बार। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, चलो। तो एक बार अब आज की क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने पूरा मेकअप के बारे में पढ़ा था, मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। अब आज आप यहां से एक नया कैरेक्टर पढ़ोगे। मैं इस चैप्टर को 3-4 पार्ट में बांटता हूं। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं इस चैप्टर को 3-4 पार्ट में बांटता हूं। पहला पार्ट हमने पढ़ा मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप में जो वो ऑफिस बॉय है, ये सारी चीजें पढ़ी। अब आज जो डिपार्टमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक कैरेक्टर है कोथा मंगलम सुबू। बहुत बड़े पोएट, राइटर, स्टोरी राइटर, लिरिसिस्ट सब रहे, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इनके बारे में आप पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग। तो आज हम इनके बारे में, अब ये पूरी कहानी आगे ना 3-4 पैराग्राफ तक सुबू के बारे में चलेगी, तो आज हम सुबू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो, अब कहानी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जितने भी फ्रस्ट्रेशन के उदाहरण होते थे, जितने भी फ्रस्ट्रेशन के मौके होते थे, एक बार क्लास को प्लीज शेयर कर दीजिए जो भी आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे। यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वूज, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोथा मंगलम सुबू। तो ये जो ऑफिस बॉय था, इसको दिक्कत थी किससे? सुबू से। ठीक है, हर फ्रस्ट्रेशन के मौके पर, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, आप हमेशा पाएंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड, आप हमेशा पाएंगे द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, कि जो गुस्सा है वो डायरेक्टेड है एक सिंगल पर्सन की तरफ, चाहे ओपनली चाहे सीक्रेटली, कोवर्टली मतलब छिपे तौर पर। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और ये जो ऑफिस बॉय है मेकअप डिपार्टमेंट का, दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड, वो एकदम तैयार था। कन्विंस्ड मतलब तैयार होना, कन्विंस्ड था, वो एकदम तैयार था दैट ऑल हिज वूज, वूज मतलब दुख, इग्नोमिनी मतलब तिरस्कार। अब देखिए, एक बच्चा है कि सर मुझे मीनिंग लिख के दे दीजिए पहले से, मैं चाहता तो हूं बट मैं वो डायरेक्ट मीनिंग लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसमें क्विज विज सब हो, तो उसको बनाने में टाइम लगता है, तो मैं जो यहां लिखवा रहा हूं आप उसी को लिख लिया करिए। ठीक, तो चाहे ओपनली चाहे सीक्रेटली, वो इस बात की गलती के लिए, अपनी किसी भी चीज की, अपने अपने दुख का कारण, अपने तिरस्कार का कारण, अपने नेग्लेक्ट का कारण, वो किसको मानता था? सुबू को। कौन मानता था? ऑफिस बॉय। क्या बोला मैंने? कि वो जो ऑफिस बॉय था, जितने भी फ्रस्ट्रेशन के मौके होते थे, उन सभी मौकों पर अपने वूज, वूज मतलब दुख का कारण, अपने इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब तिरस्कार का कारण, अपने नेग्लेक्ट मतलब उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन सब का कारण वो मानता था कोथु मंगलम सुबू को। तो सुबू से उसकी एकदम नहीं बनती थी, सुबू से एकदम उसकी बैर थी। सुबू वॉज द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो में वो नंबर दो पे था, जो हायरार्की थी सबसे नंबर एक पे फिर नंबर दो पे, तो जेमिनी स्टूडियो में उसकी नंबर दो की रैंक थी। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड, और उसकी इतनी इनकरेजिंग ओपनिंग नहीं हो सकती थी पिक्चरों में, इतनी उत्साह देने वाली ओपनिंग नहीं हो सकती थी, मतलब फिल्में बहुत चली नहीं थी जितनी कि हमारा ये ग्रोन अप मेकअप बॉय की थी, मतलब जब मेकअप बॉय आया था तो उसकी फिल्म चली थी लेकिन बाद में खराब हो गया। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, ये जो सुबू है उसको बहुत ही अनिश्चित और कठिन समय झेलना पड़ा था। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत, जो सुबू है, ही मस्ट हैव हैड टू फेस, उसको झेलना पड़ा होगा मोर अनसर्टेन, ज्यादा अनिश्चित और डिफिकल्ट टाइम, फॉर बिकॉज
When he began his career, जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया, there were no formally established film producing companies or studios. वहाँ पे कोई भी बहुत ही established film producing company नहीं थी या studio नहीं था कि सुब्बू को बहुत ज़्यादा मौका मिले. जबकि मेकअप बॉय के टाइम ऐसा नहीं था. मेकअप बॉय के टाइम काफ़ी ये जमीनी स्टूडियो बन गया, इतना बड़ा स्टूडियो था, इसमें सबको मौका मिलता था, बहुत सारी चीज़ें थी. लेकिन सुब्बू जब आए थे तो ऐसा मौका नहीं था. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ तक कि अगर एजुकेशन के भी मामले की बात की जाए, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन जो डिग्री उग्री वाली बात होती है, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन अप्रिसिएबल लीड ओवर अवर बॉय. जो हमारा मेकअप बॉय था उसके ऊपर सुब्बू की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब उसके आगे सुब्बू की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब उसकी डिग्री ज़्यादा थी, फॉर्मल एजुकेशन उसके पास ज़्यादा थी, सुब्बू के पास वो एजुकेशन भी नहीं थी. सुब्बू को इतनी अच्छी ओपनिंग भी नहीं मिली थी फिल्मों में, सुब्बू के पास एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी. बट लेकिन by virtue of being born a Brahmin, virtue of मतलब इस गुण के कारण, गुण virtue मतलब एक तरह से कोई क्वालिटी हो सकती है. तो by virtue of being born a Brahmin, Brahmin एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के कारण, सिर्फ इसकी वजह से, a virtue indeed वास्तव में इस क्वालिटी के कारण, इस गुण के कारण, he must have had exposure to more affluent situation. उसके पास exposure था, मतलब उसको एक्सपीरियंस था, उसने सामना किया था, फेस किया था ज़्यादा समृद्धशाली सिचुएशन को. अगर मेकअप बॉय और सुब्बू की तुलना की जाए तो पहले अशोक मित्रन ये बता रहे हैं कि जो मेकअप बॉय था उसको सुब्बू से बहुत बैर था, हर दुख का कारण, हर परेशानी का कारण वो सुब्बू को मानता था. सुब्बू की इतनी अच्छी ओपनिंग भी नहीं थी फिल्मों में, सुब्बू के पास इतना अच्छा एजुकेशन भी नहीं था, और तो और एकमात्र क्वालिटी थी जिसकी वजह से सुब्बू को मतलब इतना शायद प्रेफरेंस मिला कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण उसके पास एक्सपोजर था, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसने फेस किया था समृद्धशाली सिचुएशंस को. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म. उसके पास योग्यता थी चीयरफुल दिखने की पूरे टाइम्स, यहाँ तक कि After having had a hand in a flop film. Flop filmों में काम करने के बाद भी जो कोथु मंगलम सुब्बू था वो cheerful रहता था, वो खुश रहता था. Cheerful का मतलब cheer करना, हंसना, खुश रहना. He always had work for somebody. उसके पास हमेशा काम होता था किसी ना किसी के लिए. He could never do things on his own. वो कभी भी खुद से कोई काम नहीं करता था, मतलब अपने से कोई काम नहीं करता था. He could never do things on his own. बट his सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन उसकी जो निष्ठा थी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज. जो उसकी लॉयल्टी का सेंस था, जो उसके अंदर लॉयल्टी थी, जो उसके अंदर निष्ठा थी, वो उसको आइडेंटिफाई करवाती थी, पहचानवाती थी उसके प्रिंसिपल से, जो भी उसका हेड होता था, पूरी तरह से. और उसकी पूरी क्रिएटिविटी को प्रिंसिपल के एडवांटेज के लिए बना देती थी, मतलब वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता था अपने सामने वाले के लिए कि उसकी इस निष्ठा की वजह से जो उसका एडवांटेज होता था वो उसका प्रिंसिपल यानी कि उसका हेड उठाता था. मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत डेडिकेटेड है मेरे लिए, तो इसका मतलब वो मुझे हर हाल में, भाई अगर मुझे पता है कि वो मेरे लिए बहुत डेडिकेटेड है तो मुझे फ़ायदा ही पहुंचाएगा, और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, उससे बार बार कोई भी चीज़ होगी तो उसी से बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल है मेरे लिए. एफ्लुएंट का मतलब समृद्धशाली, बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से है तो वेल्थ है, रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है एक परिवार में, एक समाज में, तो दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट. तो उसकी जो लॉयल्टी का सेंस था, उसके अंदर जो लॉयल्टी थी, वो उसको उसके प्रिंसिपल से पूरी तरह से पहचान करवाती थी और उसकी पूरी क्रिएटिविटी को उसके प्रिंसिपल के एडवांटेज के लिए कर देती थी. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म. टेलर मेड मतलब खास चीज के लिए बना होना, खास चीज के लिए बना होना. तो ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, इसका मतलब सुब्बू पिक्चरों के लिए ही बना था, सुब्बू फिल्मों के लिए ही बना था. सभी को यहां तक क्लियर हो गया? एक बार बताइएगा, एक एक बच्चे को यहां तक समझ में आ गया? पहले मेकअप डिपार्टमेंट पढ़ा, मेकअप बॉय के बारे में पढ़ा, और फिर अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं हम कोथु मंगलम सुब्बू के बारे में. कोथु मंगलम सुब्बू कौन है?
कोथू मंगलम सुबु कौन है? तो कोथू मंगलम सुबु है एक एक्टर, सही चल रहा है जी नेट, एक मिनट, हाँ ठीक है दिख रहा है सर, धरावकर कड़िंगा। हाँ देखो, एक कल एक शब्द बोला था धरावकर कड़िंगा, एक मिनट, कर्नाटक में एक जगह है धरावकर, जैसे आंध्रा का एक व्यक्ति था, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था, कल एक पैराग्राफ में एक वर्ड मैंने कहा था, कल बताऊंगा, देखो मैं अभी भूल गया था क्लास में, मुझे बताना था, मुझे ध्यान था, एक महाराष्ट्र का व्यक्ति था, एक आंध्रा का व्यक्ति था, तो एक कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति था, कर्नाटक में वो जगह का नाम है, तो इसीलिए लिखा गया है अधरावकर, अब वो अजीब सा जो नाम है कन्नड़ बोलने वाले को कनंगिया या जो भी वर्ड लिखा गया है वो वहां पे लिखा गया है, तो वो कन्नड़ बोलने वाला पर्सन था। कहां पे ये शब्द है मैं आपको बता दूं, ये शब्द है आपको मिलेगा, जो कल हमने मेकअप डिपार्टमेंट वाला पढ़ रहे थे उसमें एक पहले बहुत ही बड़ा आदमी आ गया, उसको सक्सीड किया गया, उसको हटाया गया एक महाराष्ट्रियन के द्वारा, और उस महाराष्ट्रियन को हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे, अगर ध्यान हो तो, ठीक क्लियर है, चलो आगे देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि कहानी समझ में आएगी, ऐसा नहीं कहानी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको एक एक चीज को बेटा एक एक चीज को जोड़ता हुआ चलूंगा। मैंने बता दिया पहले कि हमने पहले मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात किया, अब हम कोथू मंगलम सुबु के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों अगर आप इनको सर्च करेंगे तो पाएंगे कि इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, बहुत ही फेमस राइटर, बहुत ही फेमस पोएट, बहुत ही फेमस नरेटर, सब कुछ रहे ये। हियर वॉज अ मैन, अब जरा यहां देखिए कि कोथू मंगलम सुबु की सिचुएशन क्या है, इनसे ये मेकअप बॉय कितना जलता है, कितना अपने दुखों का कारण मानता है। जबकि अगर कोथू मंगलम सुबु की बात की जाए तो वो एक ऐसे आदमी थे हु कुड बी इंस्पायर्ड, जिनको प्रेरित किया जा सकता था, पैसिव वॉइस है मॉडल का, मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस, व्हेन कमांडेड, जब भी उनको कमांड किया जाता था, तो द रैट फाइट्स द टाइगरेस, चूहा जो है लड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखिए कल टेंस पाया था आपको, यहां मिल गया, चूहा लड़ता है टाइगरेस से अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड किल्स हर, और उसको मार देता है, बट टेक्स पिटी ऑन हर कब्स, ऑन द कब्स, लेकिन दया दिखाता है उसके बच्चों पर, एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनकी केयर करता है, टेंड मतलब एक तरह से केयर करना, बहुत प्यार से उनकी केयर करता है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में बात लिखी गई है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखी गई है, जिस समय ये बोली गई थी उसी भाषा में लिख दी गई है। द रैट फाइट्स द टाइगरेस अंडर वाटर, जो चूहा है वो एक शेरनी से लड़ता है पानी के अंदर, क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, और उसको मार देता है, किसको, चूहा मार देता है शेरनी को, बाघनी को, जो भी है ना, टाइग्रेस है, बाघनी को, बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स, लेकिन उसके बच्चों पे दया दिखाता है, एंड टेंड्स देम लविंगली, और उनको बहुत केयर करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर ये बात कहता था, यानी कि एक पिक्चर का सीन है, ये रियलिटी नहीं है। अब प्रोड्यूसर कहता था यार सीन नहीं समझ में आ रहा है, इस सीन को कैसे किया जाए। सर वहां एक पर्सन होता था सुबु, सुबु वुड कम आउट विथ फोर वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग, पोर मतलब उड़ेलना, पानी को ग्लास में पोर करो, पोर द वॉटर इन टू द ग्लास, ठीक है। तो सुबु वहां पे आता था चार तरीकों से, कैसे वो चूहा जो है अफेक्शन मतलब लगाओ, कैसे वो चूहा पोर कर रहा है, क्या पोर कर रहा है, अफेक्शन किसके ऊपर, विक्टिम के बच्चों के ऊपर, ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान, विक्टिम का मतलब जो पीड़ित है, तो पीड़ित कौन है, टाइगरेस, तो टाइगरेस के संतान के ऊपर कैसे अफेक्शन पोर किया जाएगा, इस तरीके को लेकर सुबु चार तरीके लेकर आता था, प्रोड्यूसर एकदम खुश हो जाता था, गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, प्रोड्यूसर कहता था बढ़िया बहुत अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत इफेक्टिव है। सर सुबु, द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुबु वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स, सुबु 14 और तरीके लेकर, चार लेकर आया था 14 और लेके चलाया, सर ऐसे किया जाए, सर इस सीन को ऐसे किया जाए, सर अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो क्यों नहीं सामने वाला हमेशा खुश रहेगा, जिंदगी में ऐसा ही बनना चाहिए हमेशा, सुबु जैसा। सुबु का कैरेक्टर मुझे इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छा लगा, क्या लॉयल होना और कभी भी किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, सबके हेल्प के लिए तैयार करना। देखिए इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद भी ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बुराई करते हैं, यही इस सुबु के साथ कहानी देखने को मिलेगी हमको। क्रिएटिवली का मतलब क्रिएटिव तरीके से, इसको हिंदी में कैसे बोले, रचनात्मक, हिंदी में इसको बोलेंगे रचनात्मक,
जो आप क्रिएटिविटी दिखाते हो, जैसे मान लीजिए क्लास देनी है, ये एक ऑर्डिनरी तरीके से क्लास चल रही है, सिंपल मैंने बोर्ड पे ये सारे बना दिए। अब क्रिएटिविटी क्या है कि मैं इसी में पिक्चर भी दिखाता, थोड़ा सा जो ये सब बता रहा हूँ इसको पिक्चर के माध्यम से दिखाता, प्लस इसमें कुछ और एडिशनल चीजें ऐड करता, तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। क्लियर बिल्कुल दिखेगा? अगर आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लोगी सीमा, उसको थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ाओ, सही हो जाएगा। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग भाई, बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, चलो आ जाओ। अब सुबू का हाल देखिए आप, बेचारा कितना अच्छा व्यक्ति है सुबू, और फिर भी मेकअप बॉय इससे जलता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुबू। सर कोई भी काम जिंदगी का आसान हो जाएगा अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके साथ हर समय खड़ा हो जाए। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी, निश्चित तौर पर बहुत आसान हो गया होगा, और आसान था अगर कोई आदमी मिल जाए कैसा, सुबू जैसा, अराउंड आपके आसपास। एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, इट वाज सुबू। और अगर कोई व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को डायरेक्शन दिया, दिशा दिया, डेफिनेशन दिया, परिभाषा दिया अपने गोल्डन ईयर्स में, तो दोस्तों वो सुबू ही था। एक बात और आपको बताऊं, आपकी आदत हो गई है हर शब्द की हिंदी जानने की, क्रिएटिविटी को आप इंग्लिश में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि मुझे हर शब्द की हिंदी पता हो या मैं चाहूँगा कि हर शब्द की हिंदी तैयार करूँ, मैं कई बार कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ही तैयार करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको हिंदी में सोचता ही नहीं, क्यों, मुझे पता है कि उसको इंग्लिश में क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज करना है। अगर आपको किसी वर्ड को समझना है ना, तो उसको ये समझिए कि किस समय पे क्या फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है। आपको वो वर्ड कभी नहीं भूलेगा, कभी आपको उसकी मीनिंग नहीं लर्न करनी पड़ेगी। मुझे ये पता चल गया कि पानी को पोर करना है, पानी को पोर करना है, मेरी माँ मेरे ऊपर अपना बहुत प्यार पोर करती है। हर एक माँ अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्यार उड़ेलती है तो पोर करती है। बस आपको वो शब्द जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, और सुबू की एक सेपरेट आइडेंटिटी थी कवि के तौर पे। दो हालांकि ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, वो कैपेबल था, वो योग्य था और भी जटिल और उच्च स्तर की कविताएं लिखने का। ही डेलिबरेटली जानबूझकर, चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस, उसने ऐसे तरीके से अपनी पोएट्री को चुना कि वो किसको संबोधित करे, मासेस को, मासेस मतलब जन लोगों को, एक एक लोगों को वो समझ में आए, उसने अपनी पोएट्री को ऐसा चुना। ऐसा नहीं चुना कि बहुत कम लोगों को समझ में आए, जैसे द इंटरव्यू पढ़ा था तो उसमें अम्बरटोई को क्या कहते हैं कि मैं अपना लेवल थोड़ा उठा के रखता हूँ, कम लोगों को ही समझ में आता है लेकिन मैं अपने लेवल को थोड़ा उठाता हूँ, नीचे नहीं ले आता हूँ। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मैं, वो अपनी पोएट्री को क्या करते थे, ऐसा लिखते थे कि हर एक लोग को समझ में आए। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, वैकल्पिक, अल्टरनेटिव उपाय बताइए इसके अगेंस्ट अगर कोई और ऑप्शन हो तो। ऐसे हर शब्द की हिंदी पूछोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी मुझे भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सारी इंग्लिश आती है, लेकिन कई बार कुछ शब्दों को हिंदी में हम यूज ही नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो गया है यूज करते करते, हमें पता है हमें अल्टरनेटिव बोलना है तो मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट डेज पे आना है तो मुझे पता है ये अल्टरनेट वर्ड से बना हुआ है। एक्चुअल में एक वर्ड होता है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, जैसे कॉलर चेंज करना है तो अल्टर करा लीजिए बोलते हो ना, तो उसी से बना हुआ है अल्टरनेट, अल्टरनेटिव ऐसे करके। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, और जो सुबू की सफलता थी किसमें, फिल्मों में, उसने ओवरशैडो कर दिया, ढक दिया, ओवरशैडो मतलब ढकना, ढक देना कोई चीज को, शैडो मतलब छाया, ओवरशैडो ढक देना, और ड्वार्फ कर देना, ड्वार्फ मतलब छोटा दिखा देना, उसके साहित्यिक अचीवमेंट्स को, जो उसकी साहित्यिक जो भी उसने प्राप्त किया था मतलब उपलब्धियों को, ठीक है। तो जो उसकी सफलता थी किसकी, सुबू की, फिल्मों में, फिल्मों में वो काफी सफल हो गया, हालांकि वो एक बहुत अच्छा पोएट भी था, और आप सुबू के बारे में पढ़ेंगे तो ये पाएंगे भी कि वो एक बहुत अच्छा पोएट था, तो उसको ओवरशैडोड कर दिया गया, ढक दिया गया, उसको छोटा कर दिया गया, उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स को, किसके द्वारा, उसकी सफलता मिली उसको जो फिल्मों में, उसके द्वारा। सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और या फिर उसके क्रिटिक्स ऐसा महसूस करते थे जो उसके बारे में कुछ लिखते थे, क्रिटिक्स मतलब जो लोग आपके बारे में विवेचना करते हैं, आलोचना करते हैं, समालोचक होते हैं, उनको क्रिटिक्स बोलते हैं।
ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनली स्टोरी पोएम्स, उसने कंपोज किया बहुत सारे, कंपोज करना गीत लिखना होता है या पोएम लिखना, तो इसको कंपोज करना कहते हैं, तो उसने बहुत सारे ट्रूली ओरिजिनली स्टोरी पोएम्स, कहानी के फॉर्म में जो पोएम्स थी उनको कंपोज किया, लिखा इन फॉक रिफ्रेन एंड डिक्शन, लोक गीत में और लोक भाषा में। डिक्शन का मतलब होता है जिस तरह से किसी शब्द को प्रोनाउंस किया जाता है, फॉक मतलब होता है लोक से संबंधित, वहां के लोकल चीजों से संबंधित, और रिफ्रेन का वर्ब फॉर्म में तो मतलब होता है बचाव करना, किसी से रिफ्रेन करना, लेकिन नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है गीत का एक पार्ट, ऐसे कह लो जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल थिलाना मोहनंबल, और उस उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा, बहुत स्प्राउलिंग, बहुत बड़ा नॉवेल, उस नॉवेल का नाम था थिलाना मोहनंबल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एच कैरेक्टर, जिसमें दर्जनों बहुत ही कुशलतापूर्वक, डेफ्टली मतलब कुशलतापूर्वक एच्ड, निखारे गए, एक तरह से तराशे गए कैरेक्टर्स थे उसमें, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. और जो early 20th century था उस समय जो देवदासीज हुआ करती थी, देवदासीज कौन सी थी, साउथ में मंदिरों में डांस करने वाली लड़कियां, या गॉड के लिए जो है अपने आप अपना जीवन दे देना, उन्हीं के लिए समर्पित कर देना, ऐसे लोगों को देवदासीज कहा जाता था। तो उनके मूड और मैनर को बहुत ही सक्सेसफुली रिक्रिएट किया अपने इस नॉवेल में थिलाना मोहनंबल। एक बार बताइएगा, बोलिए एक बार, क्या समझ में आया यहां तक? चैप्टर मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई? हर चैप्टर हमको समझना होगा, है ना, हर चैप्टर समझना होगा, भले बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर को कितनी वैल्यू दीजिए, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बट अभी आपको कोशिश करनी चाहिए बेटा हर चैप्टर को समझने की। पता है इससे आपका क्या तैयार हो रहा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसी से तैयार होता है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इसी से तैयार होगा। बताइए, किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बता सकता है। सभी को क्लियर है यहां तक? कहानी समझ में आ रही है? और बहुत अच्छे से समझाया, एक जगह मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात की, जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहां क्या क्या चीजें देखने को मिलती थी, फिर अब बात कर रहे हैं एक ऑफिस बॉय के बारे में बात किया कि ऑफिस बॉय उस मेकअप डिपार्टमेंट में कैसा था, और फिर बात की हमने कोथा मंगलम सुबू की, अभी उनकी बात चली रही है कि सुबू कैसा लड़का था, उसको देखकर किस तरह ऑफिस बॉय जलता था, सुबू कितना इफेक्टिव पर्सन था, वहां पे जेमिनी स्टूडियो के लिए कितने तरीके लेकर आता था। बिल्कुल विश्व गेमर, बिल्कुल, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, हर बच्चे को ये रीडिंग, अगर आपको चैप्टर कुछ नहीं समझ आ रहा ना तो आप समझ लीजिए कि आप रीडिंग से भाग रहे हो। अगर क्लास ट्वेल्थ का कोई चैप्टर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो भैया, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आंसर करें नहीं करें, छोड़ दें नहीं छोड़, हम तो अभी जुलाई में है, हम तो अभी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम अभी से क्यों मान लें कि इस चैप्टर को छोड़ दें? अरे भैया हम दो बार पढ़ लेंगे, तीन बार पढ़ लेंगे, क्यों नहीं समझ में आएगा? और अगर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने माइंड की एक्सरसाइज करेंगे, मैं तो इन चैप्टर से यही मानता हूँ। आपको पैराग्राफ सॉल्व करने में आसानी होगी, जब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो लास्ट में एक दो लोग वीडियो लेके चले जाते हैं, मात्र पांच मिनट में ये पांच वीडियो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 में 20 या 10 में 10, 15 में 15, और इफेक्टिवली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रभावी तौर पे ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उस बच्चे ने कभी रीडिंग की नहीं है तो आप उसे 5 मिनट क्या, अगर 5 घंटा 5 दिन भी लगा दोगे तब भी वो पैसेज 500 पैसेज सॉल्व कर ले, तब भी उसको पैसेज सॉल्व करना नहीं आएगा। और आप बाद में कहोगे सर मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, मुझे पैसेज सॉल्व करना है। बेटा अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज जैसी चीजों को सॉल्व करना चाहते हो तो आप केवल अपनी बुक की नहीं, कोई भी रीडिंग उठा के रीड किया करो, कोई भी पैराग्राफ आपको इंग्लिश में मिल रहा है, किसी चीज के बारे में जानना है, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई साइंस में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, मैथ्स में पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, आप उसको इंग्लिश में बैठ के उसके बारे में जो भी
आपको मिले उस चीज़ को पढ़िए, उस पेपर को पढ़िए, उस पेज को पढ़िए, इससे आपके माइंड का एक्सरसाइज होगा रीडिंग को लेकर, और यही सबसे बेस्ट तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का। इससे आप बहुत सारे वर्ड्स से होकर गुजरोगे, बहुत सारी लाइंस मिलेंगी, बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, और तब वो पैसेज ना आपको कभी नहीं करना होगा। आप सीधे आंख बंद करके पेपर में बैठिएगा और पैसेज में 15 में 15 आ जाएगा आपका, क्लियर सी बात है। ठीक, बिल्कुल, बी प्रोटॉन। हिमांशु गुप्ता कह रहे हैं टेलीग्राम आईडी बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे हिमांशु, देखो ये है टेलीग्राम, डीन सर एकेडमी, और 8317077156 पे आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो, जरूरी दिक्कत हो तब। आइए अब सुबू के बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि भैया सुबू कैसा था। सर सुबू इतना बढ़िया व्यक्ति था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुबू का कैरेक्टर। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत शानदार। अमेजिंग का मतलब शानदार, अमेज कार आती है ना, कोई चीज आपको सरप्राइज करती है, थोड़ा शॉक्ड होते हो, है ना, तो आप कहते हो दैट इज अमेजिंग, एकदम मतलब आश्चर्य कर देने वाली, अमेज करने वाली। वो कार का नाम इसीलिए अमेज रखा गया, जब वो चलती है तो लोगों को सरप्राइज करती है, अमेज करती है। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, वो कभी नहीं इच्छा करता था कि उसको लीड रोल मिले। उसको क्लियर पता था कि देखो भैया हमको ये रोल करना है, और ऐसा ही लाइफ में होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये काम करना चाह रहे हो वो काम। वो कभी इच्छा ही नहीं करता था कि उसको लीड रोल मिले, बट इस लाइन का बहुत मतलब है, एक एक बच्चे को मैं समझा रहा हूं अभी। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। जो कुछ भी उसको सब्सिडरी रोल, सब्सिडरी मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता था, या लेस इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण, एक मेन एक्टर एक उससे कम थोड़ा रोल वाला होता था, वो कभी नहीं इच्छा करता था कि उसको मेन लीड रोल मिले, बल्कि उसको जो भी एक सब्सिडरी रोल मिलता था, उससे थोड़ा छोटा रोल मिलता था फिल्म में प्ले करने के लिए, वो ऐसे परफॉर्म करता था, बल्कि बेहतर परफॉर्म करता था जो भी मेन प्लेयर होता था, सपोज्ड मेन प्लेयर मतलब जो भी वहाँ पे मेन प्लेयर एक्टर होता था उससे बेहतर वो परफॉर्म करता था। और यही होना चाहिए। कभी कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हमको लगता है यार मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली, अगर किसी और को मिली तो मुझे क्यों नहीं मिली। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर सिर्फ ये चीज़ होनी चाहिए कि हमको जो कुछ भी मिलेगा मैं अपना बेस्ट दूंगा, अगर मैं अपना बेस्ट देने लायक हूँगा तो मैं यहीं से अपना बेस्ट दे के कुछ कर पाऊंगा। ये चीज़ सुबू के अंदर थी, और ये लाइन आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि हमें जबरदस्ती आगे नहीं जाना है, हमें जो रोल मिला है, जो हमें रोल दिया जा रहा है, हम उस रोल को बेहतर करेंगे हर हाल में, हम अपना बेस्ट उस रोल में देंगे जो रोल मुझे मिला हुआ है। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, और ये होना चाहिए आपके अंदर, एक जेन्युइन लव होना चाहिए लोगों के लिए। ही केम अक्रॉस जिनसे वो मिलता था, एंड हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशन एंड अक्वेंटेंस, और जो उसका घर होता था परमानेंट रेजिडेंस होता था, हमेशा कोई ना कोई आके लोग वहां पे रहते थे, परमानेंट रेजिडेंस दर्जनों नियर एंड डियर वन के लिए और उसके परिचितों के लिए। सर ऐसा लगता था, इट सीम्ड अगेंस्ट सुबू'स नेचर, सुबू के नेचर के खिलाफ लगता था, यह चीज सुबू के नेचर के खिलाफ थी। कौन सी चीज सुबू के नेचर के खिलाफ थी? टू बी इवन कॉन्शस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, इस बात के लिए कॉन्शस होना, अवेयर होना कि वो इतने सारे लोगों को फीड कर रहा है, खिला रहा है, वो कभी इस बारे में सोचता भी नहीं था, और ये उसके नेचर के खिलाफ था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि ये सुबू के नेचर के खिलाफ था, टू बी इवन कॉन्शस, जागरूक होना, दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, कि वो इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा, फीड करना है। सर ऐसा ही नेचर होना चाहिए लाइफ में, अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को फीड कर रहे हो, अगर भगवान ने ऐसा मौका दिया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप इस लायक है कि किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी इस बात के लिए अपने आप को अवेयर मत कीजिए, जागरूक मत कीजिए कि मैं ऐसा कर पा रहा हूं, कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज, सर कितना उदार व्यक्ति था वो, कितना केयरलेस, इंप्रोविडेंट मतलब बिल्कुल परवाह नहीं करता था किसी की, अपनी इंप्रोविडेंट मतलब अपने लिए कोई परवाह नहीं करता था कि यार मैं इतने लोग खिला रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं, क्या होगा। और उसके बाद भी उसके दुश्मन थे, ये बात कौन कह रहा है? अशोक मित्र। किसके लिए कह रहे हैं? ऑफिस बॉय के लिए, कि यार हद है। वो इस सुबू से चिढ़ता था, जो सुबू के इतने गुण उन्होंने दिखा दिए,
उस सुबू से चिढ़ने की क्या जरूरत है भाई, जो सुबू इस तरह, और तब सच बात है लोग तब भी मिल जाएंगे, तब भी लोग मिलेंगे ऐसे सुबू जैसे लोगों से चिढ़ने के लिए, क्योंकि उनको तब भी दिक्कत होगी। सच अ चैरिटेबल, इतना चैरिटेबल कैरेक्टर है, इतना इम्प्रोविडेंट मैन है। सर एक आपने पढ़ा होगा पीएफ कटता है, जो लोग नौकरी करते होंगे कहते हैं पीएफ कटता है, तो पीएफ को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक। तो प्रोविडेंट फंड का अपोजिट हो गया, प्रोविडेंट का अपोजिट हो गया इम्प्रोविडेंट। प्रोविडेंट होता है जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत केयरफुल हो पैसे बचाने को लेकर, इम्प्रोविडेंट मतलब जो अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल केयरफुल ना हो, और इसीलिए यहां पे इम्प्रोविडेंट मैन का मतलब हो गया एकदम केयरलेस मैन। और तब भी उसके दुश्मन थे क्या, ये इसलिए था, वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि वो इतना क्लोज था, इतना इंटीमेट था, इंटीमेट मतलब एकदम करीब होना अपने बॉस के। और वॉज इट हिज जनरल डेमेनियो, डेमेनियो का मतलब उसका व्यवहार, मैनर, क्या वो उसका जनरल व्यवहार था दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स, जो रिजेंबल करता था, के तरह दिखता था चापलूस की तरह, साइकोफेंट का मतलब चापलूस। चापलूसी करना एक अलग चीज होती है, और कभी साइकोफेंसी तो आनी ही नहीं चाहिए कभी लाइफ में, उससे बढ़िया आप कुछ और कर लीजिए, बट साइकोफेंसी मत कीजिए। लेकिन मैंने देखा है कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो इससे किए बिना मानते नहीं है, उन्हें लगता है इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा अगर मैं साइकोफेंसी नहीं करूंगा तो। वॉज इट बिकॉज, क्या ये ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बहुत क्लोज था, इंटीमेट था, किसके साथ, बॉस के साथ, कौन, सुबू, और किसके लिए बोला जा रहा है, जो लोग उससे जलते थे उनके लिए, या फिर ये उसकी जनरल आदत थी जो लगती थी कि वो चापलूसी कर रहा है। और हिज रेडीनेस, रेडीनेस मतलब तत्परता टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, कि वो हर चीजों के लिए अच्छी बात ही बोलता था इन एनी केस। ये लाइन सबसे अच्छी चीज है, कोई भी बात हो अच्छा बोलिए हर केस में। देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में एक आदमी था हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुबू, जो सुबू के लिए सबसे खराब चीजें सोचता था कि भैया सुबू का नुकसान हो जाए, सुबू खत्म हो जाए, सुबू गायब हो जाए, सुबू का जीवन चौपट हो जाए, सुबू का करियर चौपट हो जाए। तो हर सिचुएशन में कोई था जो सुबू के खिलाफ सोचता था। अक्वेंटेंस का मतलब कोई परिचित, मेरे अक्वेंटेंस है तो मेरे परिचित है, मेरे जानने वाले हैं। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, सुबू का कैरेक्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया सभी को, मेकअप बॉय का कैरेक्टर, फिर सुबू का कैरेक्टर, दो कैरेक्टर सबको क्लियर हो गया। थैंक यू संस्कारी बालक, अभी तो पूरी टी शर्ट आपको दिखी नहीं रही है, ये तो अभी खाली आपको लोगो दिख रहा है ना, आई एम आर एम टी एन, ये हमारा आज से नारा है। विशु को मैं कह रहा है सर थोड़ा बहुत समझ में आया, अभी और समझ में आएगा, जैसे जैसे होता जाएगा वो और समझ में आता जाएगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस, आप सुबू को देखेंगे हमेशा किसके साथ, बॉस के साथ। बट इन द अटेंडेंस रोल, लेकिन जो अटेंडेंस वाली शीट थी, He was group under a department. उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर रखा गया था और उस डिपार्टमेंट का नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट। अब यहाँ से एक थर्ड पार्ट आप कह सकते हो, ये मेरे हिसाब से बनाया गया है ना, ये थर्ड पार्ट है, नहीं ये लेसन हटा नहीं है। कॉल द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। तो आप सुबू को हमेशा बॉस के साथ देखते थे, You saw always Subhu with the boss. आपने क्या देखा कि सुबू हमेशा किसके साथ है, बॉस के साथ। लेकिन जो अटेंडेंस वाली सीट थी उसमें उसको एक ग्रुप में रखा गया था और उस ग्रुप का नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट, और उस स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइज करता था, मतलब उसमें लोग थे कौन कौन, एक लॉयर, राइटर्स की एक असेंबली थी और पोएट्स की एक असेंबली थी, मतलब एक लॉयर था, कुछ राइटर्स और कुछ पोएट्स थे। The lawyer was also officially known as the legal advisor. अब यहां से एक कैरेक्टर थोड़ा आपको लॉयर का दिखेगा,
तीसरा करेक्टर। द लॉयर वॉज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, ये लीगल एडवाइजर के तौर पे जाना जाता था, कौन? लॉयर। बट एवरीबडी रिफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन सब लोग कहते थे नहीं भैया ये इसका अपोजिट है, ये कभी किसी भी तरीके से लीगल एडवाइस नहीं दे सकता है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल थी। टेम्परामेंटल मतलब आपा खो देने वाली, बहुत जल्दी आपा खोने वाले को बोलते हैं कि ये बहुत टेम्परामेंट इसका हाई है, बहुत टेम्पर वाला है, टेम्पर जल्दी खराब होता है, टेम्परामेंटल, तो जल्दी गुस्सा होने वाली। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट, वो एक बार सेट पे ही भड़क गई, ब्लू ओवर मतलब भड़क जाना, सेट पे ही भड़क गई मतलब बहुत गुस्सा हो गई। व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टन, सब लोग तो एकदम आश्चर्यचकित थे, स्टंड थे, स्टंड मतलब शॉक्ड एक तरह से। द लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, जो लॉयर था उसने बड़े चुपचाप रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चला दिया, जो रिकॉर्डिंग हुई थी। लॉयर को कहा जाता था लीगल एडवाइजर, लेकिन सब लोग इसका अपोजिट रिफर करते थे। एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जो बहुत जल्दी अपना टेम्परामेंट खोती थी, बहुत जल्दी अपना आपा खोती थी, एक बार सेट पे भड़क गई, सब लोग एकदम स्टंड थे, सब लोग एकदम शॉक्ड थे। लॉयर ने चुपचाप रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को चला दिया, जो रिकॉर्डिंग हुई थी। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज फॉर ब्रेथ, जब एक्ट्रेस ने एक पॉज लिया सांस लेने के लिए, थोड़ा रुकी, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उससे कहा वन मिनट प्लीज एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को फिर से बजा दिया, यानी कि उसने कुछ रिकॉर्ड किया था, एक बार बजाया, शायद अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, फिर जैसे वो थोड़ा सा रेस्ट ली सांस ली, उसने कहा एक मिनट रुकिए, और फिर से वही रिकॉर्डिंग बजा दी। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, दोष देने वाला, क्रिमिनल होता है ना, उसी से बना इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट मतलब गिल्टी बनाना, किसी को दोषी बनाना, और अनमेंशनेबली फाउल, अनमेंशनेबली जैसे मेंशन एक वर्ड होता है, मेंशन किसी को बताना, अनमेंशनेबली बिना कहे, फाउल मतलब गलत, अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, कुछ भी इसमें देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था दोष देने वाला या गलती देने वाला, उस एक्ट्रेस की निंदा का, जो एक्ट्रेस ने टायरेड किया, टायरेड मतलब होता है निंदा, तो उस अभिनेत्री ने कुछ निंदा की प्रोड्यूसर के खिलाफ, इसमें कोई भी बात दोष देने वाली नहीं थी, इसमें कोई भी बात गलत कहने वाली नहीं थी बिना कहे। बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, सी वॉज स्ट्रक डम, मतलब एक्ट्रेस ने क्या किया था, प्रोड्यूसर के खिलाफ कुछ कह दिया होगा, कोई बात कह दी होगी, तो भाई ये बात तो गलत नहीं है, अगर आपने कहा है तो गलत तो है, गलत है, लेकिन एक्ट्रेस एकदम सरप्राइज हो गई, स्ट्रक डम मतलब अवाक रहना, मुंह खुला रहना, कुछ ना समझ में आना। शी वॉज स्ट्रक डम, अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक लड़की, वो कहां से आई थी, कंट्री साइड से, थोड़ा रूरल एरिया से, सी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रिसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्टेड इनटू। सर बहुत कठिन लाइन है, मैं सच बता रहा हूं, इतनी कठिन है कि टीचर ना समझा पाए, इस लेवल पे जो यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, इतनी बेहतर ये लाइन है, आपको समझने की ही कोशिश करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंशिका सहगल कह रही है कि बाकी के चैप्टर पढ़ा दिए गए, जी अंशिका लग रहा है आप क्लास में लेट आई हो बेटा, अभी क्लास के बाद मैं आपको बताऊंगा, बस दो चार मिनट और रुकिए, अब ये वाला पैराग्राफ मैं आपको समझा दूं, थोड़ा कठिन पैराग्राफ है तो सुनिएगा। क्या हुआ, एक लड़की आई थी कहां से, रूरल एरिया से, और वो कभी, जो लड़की देहात से आई होगी ऐसे समझ लीजिए, वो कभी जो शहर का एलिगेंस होगा, जो शहर में लोगों का रवैया होगा रहने का, उससे होकर तो वो कभी गुजरी नहीं होगी, तो उसका जो बिहेवियर होगा, जो व्यवहार होगा, वो बहुत ही अजीब होगा, बहुत अलग होगा। भाई एक लड़की है, वो शहर के तौर तरीकों को जानती है, कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या बोलना है, कैसे किसको रिप्लाई करना है। एक गांव से लड़की आई है, अभी वो इन चीज़ों से गुजरी नहीं है, और अचानक से उसको कोई फेम मिल गया, कोई फेम की वजह से वो शहर में आ गई, और शहर में लोग उसको जान रहे हैं,
लेकिन उसका व्यवहार एकाएक तो चेंज नहीं होगा ना। मैं अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, फिर ये लाइन पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। बस यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। एक लड़की कहाँ से आई, गांव से, कंट्री साइड से, और वो कभी उस लड़की का अनुभव तो पाई नहीं पाएगी जो शहर की दुनियादारी जानती है। शी हैड नॉट गॉन थ्रू, वो लड़की कभी नहीं गुजरी है किससे, ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, जो स्टेज है संसार के अनुभव का। कौन सा अनुभव, जो एक लड़की शहर में रह रही है बचपन से उसको अनुभव, एक लड़की दिल्ली में बचपन से रहती है और एक लड़की अभी चली जाए यहां से दिल्ली, देखिए आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। भले ही किसी फेम की वजह से चली जाए, कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल गई तब भी चली जाए, तब भी वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी जो हैंडल वो लड़की कर पाएगी। तो वो जो वर्ल्डली एक्सपीरियंस था दैट जनरली प्रिसीड, जो जनरली आता था पहले, किसके पहले, अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस वाली पोजीशन के पहले और सोफिस्टिकेशन के पहले और इस दुनियादारी के पहले, दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्टेड इनटू, जिसमें उसने अपने आप को पाया था, जहां उसको कैटापुल्ट कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। कैटापुल्ट का मतलब होता है, आपने गुलेल पढ़ी होगी कैटापुल्ट, तो उसी कैटापुल्ट का मतलब होता है फेंकना। एक बार फिर समझा रहा हूं, देखिए वापस से, एक मिनट रुकिए, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो तो पहले तो उसने रिकॉर्डिंग से अपनी आवाज सुनी, अब वो अवाक रह गई। स्ट्रक डम का मतलब अवाक रहना। ऐसा नहीं था कि उसने कुछ गलत बोला था, उसने सही ही बोला था। उसने जो प्रोड्यूसर के खिलाफ निंदा की थी वो किसी भी तरह से गलत नहीं थी, किसी भी तरह से दोष देने वाला नहीं था, भैया वो जो की थी वो सही की थी। लेकिन जब उसने अपनी ही आवाज रिकॉर्डिंग के थ्री सुनी और उस लॉयर ने वो चीज आवाज सुना दी उसी को एक बार और बोल के, पहले रिकॉर्डिंग बजा फिर दोबारा बजा दिया, तो जब उसने सुना तो भाई वो तो एकदम अवाक रह गए कि अब वो करे तो करे क्या। एक लड़की जो कि कंट्री साइड से आई थी, मतलब रूरल एरिया से आई थी, वो नहीं गुजरी थी संसारिक अनुभवों से, जो जनरली पहले आता है जब भी आप कोई महत्वपूर्ण पोजीशन पाते हो। अगर आप कुछ बनने जा रहे हो ना तो उसके पहले आपको गुजरना पड़ता है संसार के उस अनुभव से उस पे बनने के लिए। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट एक्ट्रेस बना दिया गया तो भैया आप वो अनुभव ले ही नहीं पाओगे, लेकिन एक्टर बना दिया गया, एक्ट्रेस बना दिया गया। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति से गुजर के गए होगे तो आपको पता होगा किस लेवल पे प्रोड्यूसर से कैसे बात करना है, या कोई भी लाइफ में कोई फील्ड हो वहां पे। तो प्रिसीड मतलब पहले आना, दैट जनरली प्रिसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन। कभी भी कोई महत्वपूर्ण पोजीशन मिल रही है आपको, कोई दुनियादारी वाली जगह मिल रही है, उससे पहले आती है, दैट सी हैड फाउंड, जहां वो पहुंच गई थी कैसे, एक्चुअली में उसको कैटापुल्ट किया गया था, फेंक दिया गया था। फेंक मतलब बस अनायास कैसे भी उसको वो पोजीशन मिल गई थी किसी तरह से, गलती से, और इसीलिए वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई। क्या अब मेरी बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई है सभी को, जरा बताइएगा। सी नेवर क्वाइट रिकवर फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, उस आतंक से, टेरर मतलब आतंक, विलियम डगलस वाले चैप्टर में आया था, उस आतंक से वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाई जो उसने उस फील किया। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और वो उस ब्रीफ ब्रिलियंट एक्टिंग करियर का अंत हो गया। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, और वो लीगल एडवाइजर जिसको कहा जा रहा था, इसीलिए कहा गया कि इसके अपोजिट था, हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, अनजाने में, अनविटिंगली, अनजाने में, न चाहते हुए उसने एक बहुत ही दुखद अंत कर दिया एक एक्ट्रेस के करियर का। अब बताइए यहां तक सभी को क्लियर हुआ, एक पैराग्राफ और पढ़ाना है। बताइए समझ में आ रहा अभी कुछ चैप्टर थोड़ा बहुत, सिक्सटी परसेंट बहुत अच्छा है यार, 60% बहुत होता है,
50 कहते तब भी मैं कहता बहुत है, 40 कहते तब भी मैं कहता बहुत है, ठीक है, 60-40 बहुत है, अगर समझ में आ रहा है तो। पढ़ा रहा हूँ एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, चलो। While every other member of the department wore मतलब पहनना, wear मतलब कोई कपड़े पहनना, put on करना, जबकि जितने भी अन्य member होते थे department में, वो story department में, वो एक खास तरह का uniform पहनते थे, खादी धोती with a slightly oversized and clumsily tailored white खादी shirt, खादी धोती थी, खादी shirt था, लेकिन वो बड़े बेढंग तरीके से बनाया गया था, क्लम्जली टेलर मतलब बेढंग तरीके से तैयार किया गया था, ओवर साइज मतलब थोड़ा साइज में बड़ा होता था, क्या खादी शर्ट, तो खादी धोती, खादी शर्ट कैसी होती थी, क्लम्जली टेलर होती थी, मतलब बहुत बेकार तरीके से बनाई गई होती थी और थोड़ी ओवर साइज होती थी। द लीगल एडवाइजर, सब लोग ये पहनते थे, ये खास तरह की यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म, ये जो बताया गया, लेकिन जो लीगल एडवाइजर था वो पैंट पहनता था, टाई पहनता था, और समटाइम्स अ कोट, ए कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल का मतलब हो गया कवच, जो सिपाही पाई लड़ने जाते हैं तो एक नहीं कवच पहन लेते हैं, आप देखते हो लड़ाई करने के लिए पूरा लोहे का बना होता है जिसपे चोट न लगे पड़ते समय। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर वो अकेला दिखता था, लीगल एडवाइजर ऐसा लग रहा था कि लगता था कि वो अकेले है और हेल्पलेस दिखता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, उसका लॉजिक भी कोई क्लियर नहीं होता था, मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, बहुत ठंडा लॉजिक, मतलब उसके लॉजिक में दम नहीं होता था, किसके, लीगल एडवाइजर के। अभी देखा आपने कैसे उस एक्ट्रेस को हटवा दिया। इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, और वो उस भीड़ में था जहां सपनों की दुनिया लेकर लोग खड़े थे, भाई एक्टर बनने जा रहे हैं, एक्ट्रेस बनने जा रहे हैं, उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीट्स एंड खादीट्स, एक बहुत ही न्यूट्रल व्यक्ति होता था, किसकी भीड़ में, जहां गांधी और खादी विचारों वाले लोग थे। Like so many of those who were close to the boss, और ऐसे बहुत सारे लोग जो लोग बॉस के क्लोज में थे, he was allowed to produce a film, उसको भी, जैसे उनको बोला गया, इसको भी कहा गया कि तुम भी एक पिक्चर प्रोड्यूस करो। Though a lot of raw stock and pancake were used on it, बहुत सारा रॉ मटेरियल यूज किया गया, बहुत सारा पैनकेक मेकअप खूब यूज किया गया, फिल्म चली नहीं, फिल्म से कुछ आया नहीं। अब जाके तब एक दिन, वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और बॉस ने उस स्टोरी डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द वनली इंस्टेंस, और शायद ये एकमात्र पहला उदाहरण था, इंस्टेंस था ह्यूमन हिस्ट्री में, जहां एक वकील ने अपनी जॉब खोई क्योंकि कवियों को कहा गया घर चले जाए। भाई स्टोरी डिपार्टमेंट बंद किया तो स्टोरी डिपार्टमेंट में कुछ कवि थे, अगर ध्यान हो तो, उन कवियों को कहा गया आप घर जाइए, अब स्टोरी डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं है। तो जब उनको घर भेजा गया तो स्टोरी डिपार्टमेंट के खत्म होने की वजह से इसका भी काम खत्म हो गया, किसका, इस लॉयर का, बताइएगा। अब आते हैं वापस से, सर प्रणाम, बस इतना ही कराना ही था। अंशिका सिंगल, अभी ग्रामर में नहीं पढ़ाया कुछ, हाँ देखिए विशु गेवर समाज के पहले ग्रामर, मुझसे कोई भी लड़का कहता है सर ग्रामर में क्या पढ़ा, तो मैं सबसे पहले उस बच्चे को ग्रामर की स्पेलिंग बताता हूँ कि बेटा ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMER है, पहले ये बताओ कि क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको। मैं पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाऊंगा, अब यहाँ से एक नया पार्ट स्टार्ट होगा, इसीलिए मैं इसको रोक रहा हूँ, अब एक नया पार्ट चलेगा 3-4 पैराग्राफ तक, ठीक है। नहीं बेटा अंशिका, अभी ग्रामर नहीं पढ़ाया गया, ग्रामर तो अभी स्टार्ट होगा, अभी तो लिटरेचर सेक्शन चल रहा है, पहले लिटरेचर ज़्यादा जरूरी है। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि ऐसा था कि अभी आप लोग को समझाता हूँ सभी को कि मैंने कैसे पढ़ाया इस चैप्टर को, आपको कोई इस तरीके से नहीं बताएगा जो मैंने पार्ट अपने, ये मेरा इमेजिनेशन है कि मैंने इस चैप्टर को इस तरह से पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट मैंने देखा कि ये मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रहा है, दूसरा पार्ट मैंने देखा जिसमें एक छोटा सा रोल ऑफिस बॉय का है, फिर दूसरा डिपार्टमेंट मैंने देखा कुथु मंगलम सुबु के बारे में बात की जा रही है, फिर तीसरा मैंने देखा जिसमें ये लॉयर की बात हो रही है, स्पेशली स्टोरी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, अब तीसरे के बाद एक ये चौथा पार्ट आपको मिलेगा, ठीक। आइए, सभी को क्लियर है, देखिए अंशिका, अभी जो हम लोगों ने किया हुआ है मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, अगर कोई नया बच्चा है तो सुन ले, हम लोगों ने फ्लेमिंगो बुक स्टार्ट की थी और हम इसको अब कंप्लीट करने जा रहे हैं, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, है ना, कंप्लीट होने वाली है, अबाउट टू, है ना, इट इज अबाउट टू, बस होने वाली है।
आपका बहुत सारा आशीर्वाद। और सर कह रहे हैं देखिए बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं टी शर्ट में, सोचिए अगर हम दिख रहे हैं स्मार्ट तो जब परसों की जो क्लास होगी, अब आप लोग खूब दिल थाम के बैठिएगा कि उस दिन वो कैसे दिखेंगे, अगर ये हमें ऐसा कह रहे हैं तो। भाई टी शर्ट तो अच्छी लग रही है मुझे भी बहुत पर्सनली, मैं क्लास में दिख रहा हूँ जो लाइव, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। ठीक, तो फ्लेमिंगो वी आर अबाउट टू कंप्लीट इट, हम ये पूरा बुक ही खत्म करने वाले हैं, बट डोंट वरी, इस बात के लिए परेशान मत होइए, आने वाले टाइम में हम इसका वन शॉट करेंगे, रिवीजन करेंगे, सारी चीजें करेंगे। आप अभी जो पढ़ा हुआ है उससे आप इसको कवर कर लीजिए। ठीक, और अंशिका अगर आप ग्रामर पार्ट करना चाहती हो तो अभी इसके बाद हम विस्टास करेंगे, विस्टास, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना, ये चेंज होने वाला तो है नहीं, फ्लेमिंगो विस्टास इसमें से आना ही आना है, कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन आंसर आएगा ही आएगा। तो आप इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी, इससे आपका ग्रामर भी बढ़िया होगा। भाई इसको रीड करोगे तो इसमें बहुत सारे ग्रामर के टर्म्स आएंगे, और ग्रामर के लिए मैं बेसिक इंग्लिश की क्लास चला ही रहा हूं, स्पेशली ट्रांसलेशन की। सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, टेंस और वॉयस आना चाहिए, जो मैं अब अगले एक डेढ़ महीने के लिए अपने आप को प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कराता रहूंगा, हर एक दिन के गैप पे। आज की क्लास इसीलिए रोक दी, कुछ बच्चों का कहना था कि सर एक दिन का गैप कर दीजिए कम से कम, हमें रिवाइज करने का मौका मिले। मेरे लिए भी था कि भाई हेक्टिक हो जाता लगातार हर दिन क्लास, दो दो क्लास, तो मैंने उस क्लास को आज रोक दी। ठीक है, और ये हमारा कोर्स है अंशिका, अगर आपको बेहतर लगता हो हमारा पढ़ाना तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश का कोर्स है जो आपको 800 रुपए में पूरे साल के लिए मिलेगा। अगर केवल आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ना चाहती हो तो वो 500 रुपए में है पूरे साल के लिए। कोई प्रॉब्लम हो आप 8317071156 पे मैसेज कर सकती हो, बताइए। किसी को और कुछ कहना है? और टी शर्ट अगर अच्छी है तो भाई इतनी मेहनत कीजिए कि हमें भी अच्छा लगे, हम आप तक ये टी शर्ट पहुँचा पाएँ, आपको पहना पाएँ। ठीक, जब साल का अंत हो और हम आपसे मिलने आए तो हम आपको खूबसूरत सा ये गिफ्ट आपको दे पाएँ। अगर जिसको भी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है उसे निश्चित तौर पर खूब मेहनत करनी चाहिए, बेहतर नंबर होने चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और हमारा भी और आपका भी दोनों का मान सम्मान बढ़ना चाहिए। कल इस पार्ट को और आगे कंटिन्यू करेंगे, बताइए। किसी को कुछ कहना है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको समझना ही पड़ेगा। चैप्टर्स अभी नहीं स्किप करने हैं कि कोई चैप्टर छोड़ दें, ये चैप्टर नहीं पढ़े, नहीं काम का है क्या? अभी आज समझाओ ना बीच में कि इन चैप्टर्स को आप इस तरीके से देखिए कि ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेंगे। पैसेज जो कराया जाता है ना वो यहीं से इसका बेस बनता है। जो बच्चा इस रीडिंग को समझने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेगा। जब आप पैसेज पढ़ते हो ना तो क्या होता है कि दिमाग हड़बड़ाने लगता है, अरे यार बहुत कठिन, छोड़ो नहीं पढ़ना है, कौन रीड करने जाए। तो वही चीज़ को तो बार बार प्रैक्टिस में डालना है, तब आप इसको समझने लगोगे। जब ये समझोगे तो फिर वहाँ पे हेल्प मिलेगा आपको, फिर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो है हम 5 मिनट वाला वो कोई कोर्स ले लें जिसमें 5 मिनट में पैसेज सॉल्व करना बताया जाता है। और सर ने भी हामी भर दी है, बिल्कुल यही करेंगे सर। चलिए तो सभी को भाई शुभरात्रि बोला जाए, नमस्ते किया जाए। ध्रुवी गुप्ता बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बढ़िया ध्रुवी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको हमारी क्लासेस बेहतर लग रही हो, ये पोएट्स एंड पेनकेक्स या जो भी है, टेलीग्राम है डीन सर एकेडमी, जहां आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी क्लास के रिगार्डिंग। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा सारी चीज़ों का, ये क्लियर है। और ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो। प्लस ये हमारा कोर्स है भाई, जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए तो अगर आपको हमारा पढ़ाना बेहतर लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके जो भी दोस्त हो। हाँ, कल शाम में 6 बजे क्लास होगी, सबसे पहले ट्रांसलेशन की। अगर आपका ट्रांसलेशन कमज़ोर है, आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेशन में दिक्कत है, तो बेटा मैं आपको एकदम 0 लेवल से ट्रांसलेशन करा रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सारे कराऊंगा, फिर पैसिव वॉइस कराऊंगा, फिर अलग से कुछ 15-20 स्ट्रक्चर बताऊंगा। और यकीन करिए अगर आप उस सीरीज को पूरा मन से करते चले जाते हैं तो आपके ग्रामर में गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे, 0। कोई चांस नहीं रहेगा कि आप ग्रामर में कोई चीज़ गलत करो, ठीक, स्पेशली जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, और प्लस वो आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। तो इस बात के साथ कि आपने बहुत अच्छे से आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा, कल 6 बजे आपकी पहली क्लास होगी ट्रांसलेशन की, और फिर दूसरी क्लास 7 बजे इसका लास्ट पार्ट। कोशिश करेंगे कल इसको खत्म कर ले, ठीक है। कल सर से मैं बोल दूंगा कि मुझे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे दें अगर नौबत आई इस चैप्टर को खत्म करने की, तो कल ये खत्म हो ही जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार,
कल शाम में फिर इसी जगह पे इसी मोड़ पे मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अंजलि, प्रभात और ये जो भी लोग हैं ना, अंशिका, वंशी, सभी को थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।